नमस्कार दोस्तों, और आज जैसा कि आपके स्क्रीन पे आ रहा था कि हम क्या देखने वाले हैं कि हर जो डिजीज़ होती है या डिसऑर्डर होता है वो उसका कोई पैथोजन नहीं होता। जैसे कि आप कह लो बैक्टीरिया हो या वायरस हो, हर बीमारी इनकी वजह से नहीं होती है। और इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो क्या हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स बेसिकली वो डिजीज़ हैं या डिसऑर्डर्स हैं जो कि आपके जीन में अगर कोई प्रॉब्लम है या किसी भी व्यक्ति के जीन में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसकी वजह से होगा, या तो क्रोमोसोम पर हो या जीन पर हो। तो अगर हम देखें इस चीज़ को कि तो इस तरीके से जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या है, ये दो अलग अलग तरीके के हो जाते हैं। एक तो है मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। और ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जनरली क्या है, ये है जो जीन के डिसऑर्डर्स होंगे। तो जीन स्पेसिफिकली क्या है कि अगर हमारा ये क्रोमोसोम है, दिस इज आर क्रोमोसोम, तो इसमें जो एक पर्टिकुलर जीन होगा, जैसे जीन वो सेगमेंट है जो कि फंक्शनल प्रोटीन बनाता है, क्रोमोसोम की कोई भी वो सेगमेंट जिससे कि एमआरएनए बनेगा, उसके बाद प्रोटीन भी बनेगा, तो उसको हम जीन कहते हैं। तो अगर एक किसी स्पेसिफिक जीन में कोई म्यूटेशन के कारण या किसी भी वजह से कोई बीमारी आ रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो जनरली मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के अंडर में आएगा। एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स वो है जिसमें कि पूरा का पूरा क्रोमोसोमल सेट चेंज हो सकता है, या तो एक कोई क्रोमोसोम बढ़ जाए, क्योंकि जनरली ह्यूमन बीइंग में हम क्या जानते हैं कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, तो हर क्रोमोसोम के लिए हमारे पास एक होमोलॉग है, अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। बट अगर इसी में अगर किसी एक क्रोमोसोम के लिए तीन पेयर आ जाए तो वो क्या होगा, एक एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएंगी। तो इस टाइप के डिजीजेस को हम किसके अंडर काउंट करते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। और ये सारे डिसऑर्डर्स जो हैं, ये इनका ओरिजिन कहाँ है, जीन्स या क्रोमोसोम पर है। और इसका कुछ एक एग्जांपल्स और देख लेते हैं। जैसे अगर हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात करें तो उसमें सेक्सलिंग इनहेरिटेंस भी आ सकता है और ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं। जो सेक्सलिंग इनहेरिटेंस है या डिसऑर्डर्स है, ये वो कैरेक्टर्स हैं जो कि एक्स क्रोमोसोम पर कैरी होते हैं। ह्यूमन बीइंग में दो सेट ऑफ क्रोमोसोम है, एक ऑटोसोम है और एक सेक्स क्रोमोसोम्स है। तो जो सेक्स क्रोमोसोम है वो क्या है, जेंडर ऑफ द पर्सन को डिसाइड करता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो अगर एक एक्स और एक वाई होते हैं तो हम जानते हैं कि वो मेल का सेक्स क्रोमोसोम पेयर है, और अगर दो एक्स क्रोमोसोम्स है तो वो फीमेल्स के लिए होता है। ना अगर इस एक्स क्रोमोसोम की कोई जीन में प्रॉब्लम है या उसकी वजह से कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है तो उसको हम सेक्सलिंग इनहेरिटेंस के अंडर में काउंट करते हैं। और इसके अलावा जो क्रोमोसोम 1-2 क्रोमोसोम नंबर 42 तक है, हम जानते हैं कि 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो 46 यानी कि 44 होगा। सो 1-44 जितने क्रोमोसोम्स है वो ऑटोसोम के अंदर आते हैं। जो हमारा जो 23 का पेयर है उसमें 22 क्या है, वो ऑटोसोम्स है और एक सेक्स क्रोमोसोम है। तो ये 22 यानी 44 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स में है और यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम के पेयर में दो क्रोमोसोम्स है। तो अगर ये दो क्रोमोसोम्स किसी डिजीज को कंट्रोल कर रहे हैं तो वो सेक्सलिंग डिसऑर्डर हो जाएंगे और बाकी जो है वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर कहलाते हैं। जो सेक्स लिंक डिसऑर्डर है उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है हीमोफीलिया, यानी कि ये डिसऑर्डर बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी कट हो जाए, कि हम जानते हैं कहीं पे भी कोई कट होने से जो ब्लीडिंग है वो इमीडिएटली ब्लॉक होती है, क्यों, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग होता है। बट हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता, जो हीमोफिलिक पर्सन है उनमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। और ये क्या है, ये एक एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। तो अगर मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात करें तो हम जानते हैं कि या तो कोई जीन रेसेसिव होगी या डोमिनेंट, इसी तरीके से मेंडेलियन जेनेटिक्स हम पढ़ते हैं। तो ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, इसका मतलब है कि अगर दो एक्स क्रोमोसोम है, यानी हम फीमेल्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर एक जीन खराब भी है या एक जीन में डिसऑर्डर है बट दूसरा हेल्दी है, तो चूंकि ये रेसेसिव है इसका फीनोटाइप क्या होगा, नॉर्मल होगा, ये फीनोटिपिकली नॉर्मल इंडिविजुअल होगा। बट वही चीज अगर हम देखें इन केस ऑफ बॉयज,
तो उसमें क्या होता है कि इन लड़कों में क्या है कि एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो डजेंट मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट, अगर एक्स डिफेक्टिव है तो वो फिनोटिपिकली एक्सप्रेस होगा. तो ये क्या है, ये एक डिफरेंस है ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम में कि इसका डिफरेंशियल एक्सप्रेशन है. फीमेल्स के केस में दो, जब तक दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव ना हो उनको हीमोफीलिया नहीं होगा, लेकिन मेल्स के केस में अगर एक भी एक्स क्रोमोसोम किसी भी सेक्स लिंक डिसऑर्डर में अगर एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव है इन मेल्स, तो वो फिनोटिपिकली उसको एक्सप्रेस करेगा. यहाँ पर अगर हम देख लें कि सपोज अगर हम फीमेल की बात करें तो अगर हेट्रोजाइगोट फीमेल है, ठीक है, और यहाँ पे फादर कैरियर है, सॉरी फादर जो है अफेक्टेड है, क्योंकि एक्स अफेक्टेड है, तो ये हीमोफिलिक मेल और ये नॉर्मल फीमेल है क्योंकि यहाँ पर हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन है. तो इस केस में हम क्या देखेंगे कि ये सारे के सारे क्या है, यहाँ पर डॉटर्स में भी आएगा, ये डॉटर नॉर्मल होंगे, फिर जो सन्स हैं उनमें भी नॉर्मल और एबनॉर्मल, मतलब हीमोफिलिक कंडीशन दोनों ही देखा जा सकता है. लेकिन अगर यहां हम इस चीज को देखें तो ये जो एक्स क्रोमोसोम है जो सन्स में जो आ रहा है, ठीक है, जो सन में जो आ रहा है वो एक्स क्रोमोसोम कहां से आ रहा है, मदर से आ रहा है, और जो डॉटर्स में जाता है एक्चुअली वो क्रोमोसोम कहां से आ रहा है, वो फादर से आ रहा है. तो ये एक्स क्रोमोसोम इनमें भी कहां से आया होगा, इनके फादर से आया होगा या मदर से भी आया है, पर मदर से ये हमेशा कहा जाएगा, इसको इस तरीके से भी समझ लें कि हम एक कंडीशन को नॉर्मल रखते हैं. अगर एक्स नॉर्मल है और फादर अफेक्टेड है तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, सारे डॉटर्स कैरियर हो जाएंगी, ठीक है, तो अभी आपको ज्यादा क्लियर होगा, और सारे सन्स नॉर्मल रहेंगे क्योंकि सन में एक्स का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है. और इसी चीज को अगर हम रिवर्स कर दें, ठीक है, अगर इसी चीज को हम रिवर्स करें और यहाँ पर एक भी एक्स क्रोमोसोम में वो कैरी हो जाता है और अगर फादर नॉर्मल भी है, या यहाँ पे कंडीशन हम देख लेते हैं, तो इसमें क्या होगा कि मदर से ये फिनोटाइप कहाँ दिखेगा, सन में. फिनोटिपिकली ये सिर्फ अगर इसको भी आप अफेक्टेड कर दो तो ये सन में दिखेगा और डॉटर्स कैरियर रहेंगी, ठीक है. तो अगर हम देखें कि हमने इसी को यहाँ पर लिया था तो उस वजह से भी क्या होता कि सन्स में इफेक्ट होता. तो इसका क्या है कि सेक्स लिंक डिसऑर्डर जो है वो क्रिस क्रॉस पैटर्न को फॉलो करता है, यानी फादर से कभी भी सन में नहीं जाएगा, इट विल ऑलवेज मूव फ्रॉम फादर टू डॉटर्स, ठीक है, और मदर से ये सन में आता है. एक्सप्रेशन इसका कहाँ होगा, सन्स में होगा अगर फादर नॉर्मल है. और जहां तक हीमोफीलिया की बात है तो इसमें क्या है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 जो है वो डिफेक्टिव हो जाते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9, और 80% हीमोफीलिया के केसेस क्लॉटिंग फैक्टर 8 के डिफेक्टिव होने के कारण होता है, और जो सिर्फ 20% है वो क्लॉटिंग फैक्टर 9 के डिफेक्टिव होने के कारण होता है. तो ये हीमोफीलिया समझ आया. तो इसमें भी क्या है कि एक्स पर एक जीन है उसकी वजह से ये हो रहा है. वैसे ही दूसरा और एक है, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस. तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या है, इसको रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं. तो इसमें कोई भी पर्टिकुलर कोन, जो कलर रिसेप्शन है हमारे आईज में, हम जानते हैं कि रॉड्स एंड कोन्स हैं, तो कोन्स कलर परसेप्शन के लिए होते हैं. तो उसमें से किसी भी कोन में, रेड ग्रीन कोन में अगर डिफेक्ट है तो दैट विल लीड टू कलर ब्लाइंडनेस. और इसमें क्या है कि ये जो पर्सन है वो रेड और ग्रीन के बीच में फर्क नहीं कर पाता, उनमें क्या तफात है ये वो नहीं समझ पाता है. कलर ब्लाइंड पर्सन जो है वो रेड और ग्रीन के बीच का डिफरेंस नहीं समझ सकता है. और इसमें भी वही है, सेम थिंग है, जो डॉटर्स हैं या फीमेल्स के लिए दो जीनोटाइप अवेलेबल हैं, एक तो एफेक्टेड फिनोटाइप और दूसरा है कैरियर फिनोटाइप, ठीक है, लेकिन मेल्स के लिए अफेक्टेड ही है या फिर नॉर्मल ही होगा, और इनके लिए एक नॉर्मल भी है. तो फीमेल्स के लिए नॉर्मल मिला के तो 3 जीनोटाइप अवेलेबल होते हैं और मेल्स के लिए 2 ही जीनोटाइप है, या तो अफेक्टेड होगा या फिर नॉर्मल होंगे. तो ये डिफरेंस है, क्योंकि जब हम ऑटोसोमल की बात करेंगे तो हम देखेंगे उसमें चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल,
मेल हो या फीमेल हो उससे मतलब नहीं है, उन दोनों के पास तीन ऑप्शन होंगे, बट सेक्स लिंक डिसऑर्डर में फीमेल्स के पास एडवांटेज होता है और ये भी क्रिस क्रॉस पैटर्न को फॉलो करेगा, यानी कि फादर टू डॉटर्स और मदर टू सन, ये जो है क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कहलाता है। अब इसके बाद क्या है, ये तो सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स थे, जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि ये कहाँ पर है, अदर देन सेक्स क्रोमोजोम, जो एक्स वाई क्रोमोजोम है उसको छोड़ के बाकी जितने क्रोमोजोम हैं उन पर ये पाया जाएगा। और ये क्या है, 44 ऐसे क्रोमोजोम्स हैं हमारे पास, या फिर 22 पेयर हम कह सकते हैं। इसमें जैसे कि एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया, तो यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पे मेल हो या फीमेल हो, जो भी ये, चूंकि ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, तो यहाँ क्या होगा कि अगर हम बोले कि सपोज सिकल सेल एनीमिया ही लेते, तो ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पे डिसऑर्डर है, तो इसमें क्या है कि दो कंडीशंस अवेलेबल हैं, HbA जो कि नॉर्मल है और HbS जो कि डिफेक्टिव जीन है, तो ये हेटरोजाइगोटिक कंडीशन है। होमोजाइगोटिक नॉर्मल भी हो सकते हैं और ये नॉर्मल होंगे, और डिजीज कंडीशन में इसको पेयर में आना होगा, क्योंकि ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, तो रेसेसिव जीन्स ही वो होती है कि जब तक कि वो होमोजाइगस कंडीशन में ना हो वो अपने आप को फिनोटाइप में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगी, यानी कि जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसमें नहीं आएगा, वो जीन तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन अगर होमोजाइगस यानी कि दोनों ही जीन्स डिफेक्टिव आ जाए तो उस वक्त और कुछ कर नहीं सकते हैं, नॉर्मल क्या है सेल को पता नहीं है, तो इसलिए जो आरबीसीज है वो एबनॉर्मल हो जाएंगे और ये डिजीज्ड कंडीशन है, ठीक है। और ये तीनों ही कॉम्बिनेशन अवेलेबल है बोथ मेल एंड फीमेल के लिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए ये तीनों कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं। अब जहां तक सिकल सेल एनीमिया की बात है, तो इसमें अगर आप देख भी लो कि अगर सपोज फीमेल को है डिजीज, अगर HbS करें तो HbS, और मेल जो है वो नॉर्मल है, तो इस केस में सारे प्रोजेनी क्या हो जाएंगे, सब नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल जो है वो डोमिनेंट फिनोटाइप है, HbA जो है वो डोमिनेंट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा HbA, HbS और सारे के सारे जो चिल्ड्रन है, चाहे डॉटर हो या सन हो, वो क्या है, नॉर्मल फिनोटाइप शो करेंगे, समझ में आई बात। और इस चीज को अगर हम रिवर्स भी कर दें कि अगर हम मेल को डिफेक्टिव कर दें कि वो हीमोफिलिक है, मेल हीमोफिलिक है और फीमेल नॉन हीमोफिलिक है या नॉर्मल फिनोटाइप है, तो उस कंडीशन में फिर से बात वही रह जाएगी, सबका जीनोटाइप क्या होगा, HbA, HbS, यही फिनोटाइप होगा। तो ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर की खासियत है। सेक्स लिंक डिसऑर्डर में क्या था, अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे तो कहानी दूसरी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ऑटोसोमल डिसऑर्डर में जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस है वो सेम रहेगा, आपके रेशियो सेम रहेंगे, ये टिपिकल मोनोहाइब्रिड रेशियो आपको देगा, इसका मतलब है कि F1 जनरेशन में आपको क्या है, सारे के सारे डोमिनेंट फिनोटाइप मिलेंगे। अब सिकल सेल एनीमिया का जहां तक सवाल है, तो इसमें होता क्या है कि जो डिजीज्ड पर्सन है, ठीक है, अब चूंकि एनीमिया वर्ड आ गया है तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं से आरबीसीज या ब्लड से रिलेटेड है। तो सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है कि जो आरबीसीज है हमारी वो जनरली क्या है, बाई कनकेव शेप की होती है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में वो सिकल शेप की हो जाएंगी, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो सिकल सेल एनीमिया में हो, अगर एस हीमोग्लोबिन एस है या सिकल सेल हीमोग्लोबिन है, तो जब ऑक्सीजन शॉर्टेज होता है बॉडी में, तो उस वक्त जो ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, वो उनकी टेंडेंसी होती है एग्रीगेट करके फाइबर फॉर्म कर दें, जिसकी वजह से आरबीसी का जो शेप है, जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स है उनका शेप जो है वो क्या हो जाता है, सिकल शेप हो जाता है, हसुए के जैसा, ठीक है। सो इस वजह से इसको हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। और ये क्यों होता है, ये सिर्फ एक पॉइंट म्यूटेशन के कारण होता है, एक न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन के कारण। हम जानते हैं कि जो कोडॉन्स होते हैं हमारे, तो बेसिकली डीएनए में भी
न्यूक्लियोटाइड्स हैं उससे एमआरएनए आता है, एमआरएनए में भी आपका एटीजीसी का चेन है, और कोडॉन्स को हम ट्रिपलेट्स में पढ़ते हैं, तीन का एक कोडॉन बनता है और वो एक अमीनो एसिड को कोड करेंगे। तो यूजुअली क्या है कि जीएजी जो है वो पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन्स क्या है कुछ नहीं बट पॉलीपेप्टाइड चेन है, मतलब अमीनो एसिड की एक लंबी चेन है और उसमें पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है दो अमीनो एसिड के बीच में। लेकिन यहाँ क्या है, इसमें क्या है, जो जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें जो सिक्स्थ अमीनो एसिड है वो ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए नॉर्मल केस में, लेकिन ए की जगह क्या सब्स्टिट्यूशन आ जाता है, यू, और इसकी वजह से क्या आ जाएगा, वैलिन। ठीक है, तो ग्लूटामिक एसिड की जगह सिर्फ एक जगह में जो सिक्स्थ अमीनो एसिड का पोजीशन है वहां पर ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ गया, वैलिन, और उसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर डिफॉर्म्ड हो जाता है और जिसकी वजह से ये डिजीज होता है। इसमें और एक बात जानने की है कि सिकल सेल एनीमिया प्लियोट्रॉपी का भी एग्जांपल है। तो प्लियोट्रॉपी क्या है, प्लियोट्रॉपिक ट्रेट्स और जीन्स वैसे जीन्स हैं जो जीन, एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को गवर्न करता है। सिकल सेल एनीमिया भी वैसा है, जैसे देखो इसमें क्या हो गया कि एक तो सिकल सेल आरबीसी हो गई, उसके अलावा क्या होता है कि सर्कुलेशन जो है ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही पुअर हो जाएगा, पुअर सर्कुलेशन, और फिर एनीमिया भी है, तो एनीमिया, पुअर सर्कुलेशन, तो बहुत सारे मल्टीपल ट्रेट्स को ये इम्पैक्ट कर रहा है, इसलिए ये प्लियोट्रॉपी का भी एग्जाम्पल है। और सिकल सेल एनीमिया, खैर एक चीज अच्छी है इसमें कि जो हेट्रोजाइगोटिक कंडीशंस है, तो ऐसा माना गया है, इसको हम सिकल सेल ट्रेट भी बोलते हैं, सिकल सेल ट्रेट। तो इनमें ऐसा माना गया है कि ये इंडिविजुअल्स जो हैं इनमें मलेरिया से लड़ने की अलग क्षमता होती है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है मलेरिया से फाइट करने का इंटरनल बॉडी का वो एक्स्ट्रा होता है जहां पर कि ये कंडीशन होगी, क्योंकि जो मलेरियल पैरासाइट जब आरबीसी में जब शेल्टर लेते हैं ना, तो ये जो सिकल सेल ट्रेट वाले हैं, जो सिकल सेल आरबीसी होंगे उसमें तो वो पैरासाइट्स खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो आपके इम्यून सिस्टम को वहां पे काम करने की जरूरत नहीं बची पड़ती, और बाकी के जो बचे हुए हैं तो अमाउंट जो है ना जिससे आपके इम्यून सिस्टम को फाइट करना है पैरासाइट का अमाउंट वो बहुत कम हो जाता है, तो बाकी से आपका बॉडी भी नेचुरली उसको डिफेंड कर पाता है। अब दूसरा जो है, अगर हम दूसरा देखें तो फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये भी क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव ही है, ये ऑटोसोम पे ही पाया जाता है और ये रेसेसिव ट्रेट है, यानी कि जब तक की दोनों जीन जो मदर से आया है और जो एक फादर से आया है, दोनों के दोनों जीन्स अगर डिफेक्टिव ना हो तो फिनाइल कीटोन्यूरिया शो नहीं करेगा। और फिनाइल कीटोन्यूरिया में होता क्या है कि जो हमारा जो अमीनो एसिड है फिनाइल एनालिन, ठीक है, फिनाइल एलानिन का जो कन्वर्जन है टायरोसिन में, ये प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है। और क्यों होता है, क्योंकि इस प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज, और ये एंजाइम इनमें क्या होता है, डिफेक्टिव हो जाता है, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज, तो ये एंजाइम के नहीं होने के कारण और ये इनएक्टिवेटेड होने के कारण फिनाइल एनालिन का जो है कन्वर्शन टायरोसिन में नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होता है कि फिनाइल एनालिन आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगती है या उसके डेरिवेटिव्स भी जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और इस वजह से डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, और ऐसे बच्चों में ये पाया गया है कि मेंटल रिटार्डेडनेस होगी, जो आपका दिमागी विकास है उस हिसाब से नहीं होगा जो कि आपका क्रोनोलॉजिकल एज है। दूसरा डिसऑर्डर है थैलेसीमिया, तो थैलेसीमिया भी एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है और ये भी आपके ब्लड से रिलेटेड ही है, और इसमें क्या है कि जो आपके इसके दो टाइप है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया, और इसमें जो क्रोमोसोम इन्वॉल्व है वो दो अलग अलग क्रोमोसोम है। अगर हम अल्फा थैलेसीमिया की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 16 इन्वॉल्व हो जाता है। 16 पे क्या है, दो लिंक जीन है HBA1 और HBA2 जो कि अल्फा चेन को गवर्न करेंगे, तो अगर वहां पे कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो वो अल्फा थैलेसीमिया हो जाता है। अगर क्रोमोसोम नंबर 11 जहां पे HBB जीन है, 16 पे क्या है HBA2 है, तो जहां HBB जीन है वो क्या है कि अगर इसमें प्रॉब्लम होगी तो वो बीटा थैलेसीमिया होगा,
और इसमें होता क्या है कि अगर अल्फा थैलेसीमिया का केस है तो इसका मतलब है कि जो अल्फा चेन है हीमोग्लोबिन का वो कम सिंथेसाइज होगा, बीटा तो नॉर्मल है तो बीटा फॉर्म हो जाएगा, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि बॉडी में बीटा जो ग्लोबिन चेन है वो ज्यादा हो जाती है, तो उस केस में क्या है कि ब्लड में बीटा टेट्रामर्स फॉर्म हो जाएंगे, वो बीटा चेन खुद ही मिलजुल के एक तो टेट्रामर बना देंगे जो कि जिसका ऑक्सीजन कर्व्स बहुत ही एबनॉर्मल है। और बीटा थैलेसीमिया में क्या होगा कि बीटा कम होगा और ज्यादा अल्फा चेन्स होंगी, तो अल्फा चेन्स की टेंडेंसी होती है कि आरबीसी के मेम्ब्रेन पे जाकर के बाइंड कर जाए, जिसकी वजह से आरबीसी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये थैलेसीमिया का केस था, ये सारे रेसेसिव थे। अब जो है हंटिंगटन्स डिजीज, ये डोमिनेंट ट्रेट है। हमने देखा कि जीन में भी हो सकता है, क्रोमोसोम में भी हो सकता है, रेसेसिव भी हो सकता है और डोमिनेंट भी हो सकता है, यानी कि अगर इसमें सिर्फ एक जीन में भी हंटिंगटन्स डिजीज का प्रॉब्लम है तो वो पर्सन में हंटिंगटन्स डिजीज शो करेगा। और इसमें क्या हो जाता है कि जो सीएजी रिपीट्स फॉर्म होती हैं, सीएजी एक कोडॉन है और इसका रिपीट्स फॉर्म हो जाएगा, यानी सीएजी ऐसा बन जाएगा। और सीएजी क्या करता है, ये ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करता है। तो अगर सीएजी रिपीट है, और रिपीट का मतलब जैसे मैं बता रही हूँ दो तीन नहीं, कम से कम 80 से 100 रिपीट्स होंगे, तो ग्लूटामिक एसिड के 80 से 100 रिपीट्स एक साथ जुड़ के क्या है, पॉलीग्लूटामिक एसिड के चेन बनाएंगे जो कि एग्रीगेट हो करके जो हमारा सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसको इम्पैक्ट करता है। तो ये थी कहानी ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स की। तो इसमें क्या है, ये तीन जो है ये रेसेसिव है, ये डोमिनेंट है। तो ये तो सिर्फ मेंडेलियन ट्रेट्स से, तो मेंडेलियन में भी सिकल सेल एनीमिया भी हो सकता है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स भी हो सकता है, और चूंकि ये डिसऑर्डर्स जेनेटिक लेवल पे हैं तो इसलिए ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, जर्मिनल म्यूटेशंस जो होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में चले जाते हैं। इसके अलावा जो है, जो दूसरा टाइप था वो था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हमने देख लिया, क्रोमोसोमल भी देख लेते हैं। तो क्रोमोसोमल में क्या है, दो तरह के हो सकते हैं, एन्यूप्लॉइड्स हो सकते हैं या पॉलीप्लॉइड्स या यूप्लॉइड्स हम कह सकते हैं। तो एन्यूप्लॉइड्स जो है, दिस अराइजेस ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि हमारा जो 23 का पेयर है, इसको ऐसे समझिए, जो हमारे जो क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम, चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ तीन ही क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम 1, 2, 3। तो लॉजिकली जब हम बात करते हैं कि एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में क्या है, हर क्रोमोसोम का होमोलॉग होगा, पेयर होगा, लेकिन अगर इसमें किसी वजह से होमोलॉग की जगह तीन आ जाए, क्रोमोसोम नंबर वन पे ही तीन है, बाकी जो है वो वैसे ही रहेगा, तो इसमें क्या हो गया कि यहाँ टोटल 6 थे पर यहाँ पे टोटल 7 हो जाएंगे क्रोमोसोम, तो ऑल्टरेशन इन क्रोमोसोम नंबर है, और वो भी क्या है, सिर्फ क्रोमोसोम वन पे। तो ऐसे केसेस को हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। और एन्यूप्लॉइडी भी क्या है, डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, ये मोनोसोमी हो सकती है, ट्राइसोमी हो सकती है। मोनोसोमी यानी कि एक क्रोमोसोम नहीं है, 2n-1, अगर 2n+1 कहलाता है तो ये ट्राइसोमी का केस हो जाता है, 2n+2 ये टेट्राजोमी है, लेकिन अगर 2n+1+ है तो ये डबल ट्राइसोमी है। डबल ट्राइसोमी कहने का मतलब है कि दो अलग अलग क्रोमोसोम के दो अलग अलग क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी है। टेट्राजोमी सिंगल क्रोमोसोम का डबल, मतलब एक क्रोमोसोम के लिए चार अवेलेबल हैं, उसको हम टेट्राजोमी कहते हैं। वैसे जैसे यूप्लॉइडी है या पॉलीप्लॉइडी, यूप्लॉइडी का फॉर्म ही है, तो पॉलीप्लॉइडी में क्या है, यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम नहीं होता, पूरा का पूरा सेट डबल होगा या ट्रिपल होगा, इसलिए, या जो हम कहते हैं हैप्लॉइड कंडीशन क्या है, हैप्लॉइड क्या है, हमारा सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, एक सेट, यानी कि ह्यूमन बीइंग में अगर हम देखें तो 23 क्रोमोसोम, ठीक है, लेकिन अगर यही 23 की जगह जब 46 होता है तो वो तो डिप्लॉइड होगा, अगर फिर से ऐड हो जाए तो यानी कि क्या होगा कि ट्रिप्लॉइड, फिर और अगर 23x4 हो जाए तो वो टेट्राप्लॉइड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीप्लॉइडी, यानी कि पूरा का पूरा सेट ही एक्स्ट्रा है, एक दो क्रोमोसोम नहीं, पूरा क्रोमोसोम ही, पूरा सेट एक्स्ट्रा हो जाता है, उसको हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। और हम जानते हैं कि जो क्रोमोसोम है और जीन है, हम जानते हैं कि यही तो सब कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो गवर्न करेंगे, सारा कंट्रोल इन्हीं के हाथ में होता है, तो अगर वहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि अगर तीन हो जा रहा है, चार हो जा रहा है या गायब हो जा रहा है, तो उसमें क्या होगा कि कुछ ना कुछ तो एब्नॉर्मलिटी
आएंगी ही। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं जो एन्यूप्लॉइड्स हैं, डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम जो है इसको हम मंगोलियन इडियोसी के भी नाम से जानते हैं या मंगोलियनिज्म के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या है, इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लैंगडॉन डाउन। तो इसकी डिस्कवरी किन के पास जाती है, लैंगडॉन डाउन, और उसी वजह से नाम है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो इंसान है वो डाउन हो जाता है, ये डिस्कवरर के नाम से आया है। और ये क्यों होता है, ट्राइमजोमी ऑफ क्रोमोजोम नंबर 21 के कारण। यानी जो हमारे 23 पेयर्स है उसमें जो 22nd पेयर होगा तो वहां क्या है, एक फादर से आना था और एक मदर से आना था, बट इस जगह पे अगर मदर से दो आ जाए 21st क्रोमोजोम, तो ये क्या है, ये डाउन सिंड्रोम का केस हो जाएगा। और ये ऐसा कंडीशंस क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ arises from non-disjunction of chromosomes during gamete formation। तो इसको समझना जरूरी है कि non-disjunction क्या है। Ideally जब meiosis होता है तो हम जानते हैं कि एक सेल से चार सेल बनेंगी और उसमें क्या है, क्रोमोजोम नंबर हाफ हो जाएगा। अगर 2n है तो यहाँ सारे n हो जाते हैं, ठीक है, होमोलॉग सेपरेट होते हैं। लेकिन अगर किसी भी वजह से, सपोज ये होमोलोगस क्रोमोजोम का पेयर था और किसी भी वजह से ये एनाफेज में इनको सेपरेट होना था, पर सेपरेट नहीं हो करके ये सारे एक ही क्रोमोसोम में चले गए, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि अगर सपोज हम देखें कि ओवा फॉर्मेशन के वक्त अगर ये कहानी हुई होगी तो जरूर ऐसा हुआ होगा कि एक जो डॉटर सेल है उसमें 21st क्रोमोसोम गया ही नहीं होगा, नो 21 क्रोमोसोम। बट यहाँ पे क्या है कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम सेट इधर आ गया है मियोसिस, और ये कब होगा, मियोसिस वन में ही होगा, क्योंकि जो डिसजंक्शन है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम का स्प्लिट है वो मियोसिस वन में ही होता है। तो इसको आप याद रखिएगा कि मियोसिस वन में ही नॉन डिसजंक्शन होगा, मियोसिस टू तो क्या है, माइटोसिस जैसा ही है। तो इस वजह से क्या है कि अब इस क्रोमोसोम में क्या है कि 21 क्रोमोसोम के दोनों पेयर हैं। अब अगर ये ओवम से फर्टिलाइज करता है एक स्पर्म जिसमें कि एक ही 21 क्रोमोसोम है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्या होगा कि क्रोमोसोम नंबर 21 के लिए हमारे पास कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 3। तो ये 21 की ट्राइजोमी है, बाकी सब नॉर्मल रहेगा 1 to 23। और इसका सिम्टम्स क्या है, शॉर्ट स्ट्रेचर्ड विद स्मॉल राउंड माउथ, पाम इज ब्रॉड विद कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज। तो शॉर्ट ऑब्वियसली जब क्रोमोसोम में कुछ भी होगा, अब ऐसा नहीं सोचना है कि 3 क्रोमोसोम हो गए तो अब हो गया, ये कोई सुपर मानव हो गया। वो जनरली कोई भी एबनॉर्मलिटी होने से वो फाइनली फिनोटाइप को इम्पैक्ट करेगा ही। और इसी वजह से देखिए क्या है कि फिजिकल और साइकोमोटर जो स्किल्स हैं वो रिटार्डेड होंगे, साथ साथ मेंटल रिटार्डेडनेस भी है, यानी कि जो दिमागी विकास होना है वो उस तरीके से नहीं होगा जैसा एक नॉर्मल बच्चे का होता है। अगला डिजीज है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये जो है, इट इज कॉज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोजोम। ये किसके लिए है, एक्स क्रोमोसोम के लिए, पर ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर नहीं है। जब एक्स लिंक्ड हम बात करते हैं तो हम एक जीन की बात करते हैं, लेकिन एक्स क्रोमोसोम जब हम बात करते हैं तो पूरा का पूरा सेट का हम बात कर रहे हैं। तो ये नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम के कारण होता है। और इसमें क्या है कि कंडीशन क्या होती है कि जो पर्सन है उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, यानी एक्स वाई की जगह ये एक्स एक्स वाई हो जाता है। और ऐसा क्यों, कब होगा, जब दो कंडीशन हो सकते हैं, अगर ओवा है तो ये पहला कंडीशन है कि ओवम नॉर्मल है उसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम है, बट स्पर्म में नॉन डिसजंक्शन के कारण एक्स वाई को सेपरेट होना चाहिए मियोसिस वन में, पर वो नहीं हो करके जो स्पर्म है उसमें एक्स वाई दोनों रहेंगे। तो इसमें भी क्या है कि एक्स एक्स वाई अगर इनका फ्यूजन होता है तो एक्स एक्स वाई होगा। दूसरा कंडीशन है कि ओवम में नॉन डिसजंक्शन नहीं हुआ, दोनों एक्स क्रोमोसोम हैं और स्पर्म में सिर्फ वाई है, तो इसकी वजह से भी एक्स एक्स वाई कंडीशन आएगी और इसको हम क्लिनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। और चूंकि यहाँ पर वाई क्रोमोसोम है, सिंस देयर इज वाई क्रोमोसोम, ये क्या होंगे, मेल होंगे बट विथ अंडर डेवलप ब्रेस्ट। तो इनमें क्या है कि फीमेल कैरेक्टरनेस भी आएंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, गायनेकोमेस्टिया। Appearance of female characters on male body is known as gynecomastia। और इसमें क्या है कि बॉडी हेयर भी कम होंगे, स्पार्स बॉडी हेयर, मेंटल रिटार्डनेस होगा और ये क्या होंगे, स्टेराइल होंगे, फर्टाइल नहीं होंगे।
तो ये था क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। तो इसमें ये चीज को देखना है, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक क्रोमोसोम बदलने के कारण पूरी की पूरी कहानी बदल गई। दूसरा है टर्नर सिंड्रोम, तो इट इज कॉज ड्यू टू नॉन, इसमें भी एक्स क्रोमोसोम का ही नॉन डिसजंक्शन है, लेकिन इसमें क्या है कि फीमेल विथ रूडिमेंट्री ओवरीज फॉर्म हो रहे हैं। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसका कंडीशन है कि या तो जो आपका ओवम है, तो ओवम है और स्पर्म है, या हम कहें फीमेल से आ रहा है और ये मेल से आ रहा है, तो अगर मेल में एक्स क्रोमो, फीमेल में एक्स है बट जो स्पर्म है उसमें कोई भी क्रोम एक्स वाई में से कुछ नहीं है, तो जो हमारा क्लिनफेल्टर्स था, जब हम बात कर रहे हैं कि नॉन डिसजंक्शन हुआ है, तो एक में तो एक्स वाई चला गया होगा, एक में नहीं गया होगा, तो अगर उस टाइप का कोई आता है कि यहाँ पर एक्स नहीं है, तो इसकी वजह से भी टर्नर सिंड्रोम आएगा। या दूसरा हो सकता है कि ओवम में कोई एक्स ना हो, दोनों एक्स कहीं और चले गए, पोलर बॉडी में चले गए और इसमें कोई एक्स आया ही नहीं, और एक एक्स कहाँ है, स्पर्म में है, तो इसकी वजह से भी टर्नर सिंड्रोम आएगा, यानी एक ही एक्स आएगा। तो चूंकि यहाँ सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है, तो ये ऐसे इंडिविजुअल क्या होंगे, फीमेल होगी बट रूडिमेंट्री ओवरीज पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाएंगे। ओवरी क्या है, हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एंड शॉर्ट स्टेचर, हाइट कम होगी, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, बिकॉज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए जो हॉर्मोन्स है वो कहाँ से आते हैं, ओवरीज से आते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, तो जब ओवरी ही रूडिमेंट्री है तो वो हॉर्मोन्स भी कम होंगे, इस वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कम, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, और ये भी क्या होंगे, स्टेराइल होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ क्या है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि जीन डिसऑर्डर्स क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या है, और ये सारे किसी पैथोजन के कारण नहीं होते हैं, ये हमारी जो सेल्स है या जो कोशिका है उनके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो क्रोमोसोम है उसमें कुछ प्रॉब्लम होने से, अगर क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जा रहा है या पूरा सेट चेंज हो जा रहा है या एक पर्टिकुलर जीन में ही कुछ हो जा रहा है, तो ये सारी की सारी तबाही मच जाती है। और ज्यादातर जो ये सारे डिजीजेस हैं ये नॉन क्योरेबल हैं, क्योंकि इनमें क्या है, मोस्टली नॉन क्योरेबल ही है, क्योंकि अभी तक हम, आप ऐसी कोई दवाई नहीं पी सकते कि जिससे कि सारे सेल अचानक से ठीक हो जाए, ठीक है। तो जेनेटिक ट्रीटमेंट्स की हम बात ऑलरेडी कर रहे हैं, रिसर्च भी चल रहा है, और आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे भी कैसे होता है, क्या होता है। अब इसी के साथ वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, पसंद से ज्यादा आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है, जीन डिसऑर्डर क्या है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड।